एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वीमेंस केयर। और आज का वीडियो एक मिक्सर हॉल होने वाला है, जिसमें मैं आपको तीन साड़ियां दिखाने वाली हूँ। और ये बहुत ही प्रिटी साड़ियां हैं और अफोर्डेबल भी हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइज। ये आपके लिए छोटी बात होगी, बट अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो नाउ लेट गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो सबसे पहली साड़ी ये है, ये रेड कलर की है, उसका फैब्रिक कॉटन का है और ये बिल्कुल प्लेन है। इसमें जरी का वर्क हो रखा है, कुछ इस तरीके की लाइनिंग हो रखी है इसमें गोल्डन जरी की, और इसके पल्लू पे कुछ इस तरीके के टैसल लटके हुए हैं, जिसके आप देख सकते हैं। और ये बहुत प्रिटी साड़ी है और बहुत अफोर्डेबल भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इसके प्राइस। अब कम प्राइस में ही बहुत प्रिटी साड़ी आपको मिल जाती है मीशो पर। प्लेन साड़ी और उसमें जरी की लाइनिंग हो रखी है। उसका ब्लाउज जो है ना, वो इसका ब्लाउज ये है, ब्लाउज इसका प्लेन है और ये कॉटन का है, जैसे कि पूरी साड़ी कॉटन की है उसी तरीके से ब्लाउज, लेकिन ब्लाउज पे कोई भी लाइनिंग नहीं होती, प्लेन है। आप इस पर लेस लगवा कर सुंदर सा स्टिच करवा सकते हैं, उसको एक गुड लुक दे सकते हैं, और प्लेन साड़ी के साथ बहुत अच्छा लगेगा गाइस। ये साड़ी भी बहुत प्रिटी है, आपको पहनेंगी तो ये बहुत प्यारी लगेगी। मैं इसका लुक बुक भी आपको दे दूँगी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक पहनने के बाद किस तरीके की लग रही है। ओके गाइस, जो नेक्स्ट साड़ी है वो ब्लैक कलर की है और वो बहुत ट्रेंड में चल रही है, आप लोगों ने उस साड़ी को देखा भी होगा। गाइज, इसका ब्लाउज रेडी टू वियर आता है, बस आपको इसमें अपनी फिटिंग करनी है, वो फिर आपको इसको वियर कर लेना है, आपको अलग से इसको सिलवाना नहीं पड़ता है। आप तो उसके ब्लाउज की फैब्रिक की, तो उसका ब्लाउज का फैब्रिक जॉर्जेट का है, और तो उसके अस्तर की, तो ये बहुत ही सॉफ्ट कॉटन है जो कि आपको बिल्कुल भी चुभेगा नहीं, क्योंकि इसमें सीक्वेंस वर्क है वो आपको चुभ भी सकता है, बट इसके अस्तर की वजह से ये आपको बिल्कुल चुभेगा। और इसमें पैड भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लगे हुए हैं गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं सीक्वेंस वर्क हो रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं फुल स्लीव ब्लाउज है। इसका नेक जो है बोट नेक है, आगे से ये छोटा है बट पीछे से ये थोड़ा डीप है, और पीछे सीक्वेंस वर्क नहीं हुआ है, बस आगे ही इसका वर्क है। ये रेडीमेड ब्लाउज फ्री साइज होते हैं, जो किसी भी साइज के आसानी से आ जाएंगे, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें कि ये आपको नहीं आएगा, ये आपको भी आ जाएगा। आप कहीं जल्दी में हैं और आपको ब्लाउज सिलवाने का टाइम नहीं है, तब आप इस साड़ी को ऑर्डर करके मंगा सकते हैं और आप इसको पहन सकते हैं फटाफट से, आपके टाइम की बचत हो जाती है और सिलाई के भी पैसे बच जाते हैं। तो ये बहुत प्रिटी लगता है जब इसको पहनते हैं तब, तो उसकी साड़ी क्लीन है और कुछ इस तरीके से, और बिल्कुल प्लेन साड़ी है ये, इसमें कोई भी वर्क नहीं हो रखा है। बात करें इसके फैब्रिक की, तो इसका फैब्रिक जॉर्जेट है और ये बहुत प्रिटी लगती है जब इसको वियर करते हैं। मैं आपको इसका लुक दे दूँगी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं पहनने के बाद ये कैसे लगता है। गाइस, आप चाहें तो इसके साथ किसी भी और कलर का ब्लाउज भी पहन सकते हैं, जैसे पिंक, स्काई ब्लू या वाइट कलर का ब्लाउज भी आप इसके साथ स्टिच करके पहन सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। क्योंकि ये प्लेन साड़ी के साथ हैवी ब्लाउज स्टिच करवा के पहनेंगे तो उसका ब्लाउज बहुत अच्छा लगेगा। इस साड़ी में भी काफ़ी कलर ऑप्शन है, आप चाहे तो उनमें से भी कोई सा भी कलर ले सकते हैं। मुझे ब्लैक कलर पसंद था इसलिए मैंने ब्लैक कलर को परचेज किया, बट आपको जो पसंद आए आप उसको ले सकते हैं गाइस। तो गाइस, अब बारी आती है लास्ट साड़ी की, जो कि वाइट कलर की है, उसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो कैसी है। तो गाइस, सबसे पहले आप इसका ब्लाउज देख लीजिए, वाइट कलर का है, उसमें सीक्वेंस वर्क है और इसके फ्रंट एंड बैक साइड दोनों में भी वर्क है। ये रेडी टू वियर आता है, बस आपको उसकी फिटिंग करनी है अपनी और उसको वियर कर लेना है। और ये पैडेड ब्लाउज है, इसमें अच्छी क्वालिटी के पैड लगे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, और अच्छा वाला फैब्रिक यूज़ किया गया है इसके ब्लाउज में, बहुत सॉफ्ट वाला फैब्रिक है इसकी लाइनिंग में, ताकि आपको इसकी सीक्वेंस चुभे नहीं जब आप इसको वियर करें तब। पर्सनली ये ब्लाउज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया इसका, और गाइस के साथ स्लीव्स भी आती हैं, अगर आप चाहें तो स्लीव्स भी स्टिच करवा के पहन सकते हैं। अगर आपको कट स्लीव पहनना पसंद नहीं है तो आप स्लीव्स लगवा सकते हैं और फिर इसको पहन सकते हैं। गाइस, ये है इसकी साड़ी। साड़ी की मैं क्या बात करूँ गाइस, ये मुझे पर्सनली इतनी ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है ये मुझे,
और ये इसका बॉर्डर है और इसका फैब्रिक है वो ऑर्गेन्जा का है और इसका जो बॉर्डर है वो उसमें जरी का वर्क है एंड फ्लोरल डिज़ाइन वो रखे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसको, ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। इस साड़ी में इस तरीके का बॉर्डर आपको मिल जाता है और जब आप इसको पहनेंगे तो बहुत प्यारे लगेंगे। इसका फैब्रिक नेट जैसा ट्रांसपेरेंट है बट ये इसका फैब्रिक का नाम ऑर्गेन्जा है। बॉर्डर वाली साड़ी है और पूरी प्लेन साड़ी है ये और ऊपर कुछ इस तरीके का बॉर्डर आपको मिल जाता है, जरी का, सिल्वर जरी का ये बॉर्डर है। ये इतना पतला बॉर्डर है, इसमें आपको काफ़ी कलर ऑप्शन मिल जाएंगे देखने के लिए। जो भी कलर आपको पसंद हो आए आप उसको बाय कर सकते हैं। मुझे वाइट कलर अच्छा लगा इसलिए मैंने इस वाइट कलर को परचेस कर लिया। गाइस इस साड़ी को आप जरूर बाय करें, पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई और बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी है ये। ओके गाइस ये था मेरा मीशो हॉल, आई होप आपको ये साड़ियाँ पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताना मुझे कि आपको कौन सी साड़ी सबसे ज़्यादा प्यारी लगी, और अगर आप कोई भी साड़ी बाय करते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर मुझे बता देना, मुझे अच्छा लगेगा अगर आपको मेरी सजेशन अच्छी लगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, प्लीज़ मुझे सपोर्ट, आई नीड योर हेल्प गाइस, प्लीज़ सपोर्ट मी। तो प्लीज़ गाइस ये वीडियो अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और हाँ गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसका वीडियो भी आने वाला है, यानी प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इस मेकअप को भी देख पाएँ। मैं अपने चैनल पर इसी तरीके की वीडियो लाती रहती हूँ, मेकअप ट्यूटोरियल, स्किन केयर एंड फैशन से रिलेटेड वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बाय बाय, लव यू।